कंगना रनौत ने एक बार फिर बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ज़बरदस्त खुलासे किए उन्होंने। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में एक बिना कहा लॉ चलता है, तुम मेरा छुपाओ गंदगी, मैं तुम्हारी छुपाता हूँ। और यही नहीं, 50 साल के बूढ़े एक्टर्स जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत जैसे जवान एक्टर्स को सामने नहीं आने देते, मुझ पर भी केस फाइल कर दो और तमाम चीज़ें। क्या क्या खुलासे किए हैं कंगना रनौत ने, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो वो कहना शुरू करती हैं, आज आप लोगों ने देखी होगी रिपोर्ट जहां बॉलीवुड स्ट्राइक्स बैक जो एक केस फाइल किया गया हाईकोर्ट में, उस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि ये अनरिटन लॉ है बॉलीवुड में कि तुम मेरी गंदगी छुपाओ, मैं तुम्हारी छुपाता हूँ, और इस हिसाब से एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं वो लोग। मैं सिंस आई एम बॉर्न आई एम सीइंग ओनली दीज हैंडफुल ऑफ मेन फ्रॉम फिल्म फैमिलीज रन द इंडस्ट्री, व्हेन विल दिस चेंज। जब से मैं आई हूँ तब से मैं यही देख रही हूँ, ये कब बदलेगा। आगे वो कहती है बिग हीरोज़, बड़े हीरोज़ न केवल महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं बल्कि यंग गर्ल्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। दे डोंट लेट यंग मैन, यंग मैंस को, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को, जवान लोगों को आगे नहीं आने देते। 50 साल की उम्र में वो स्कूल का स्टूडेंट, स्कूल किड का प्ले करते हैं, स्कूल का स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट प्ले करते हैं। वो कभी किसी के लिए नहीं खड़े होते। कोई भी लोग, इफ़ पीपल आर बीइंग रॉन्ग बिफोर देयर आइज, अगर लोग उनके सामने गलत भी हों तो भी वो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। आगे वो ये कहती हैं कि बॉलीवुड द गटर ऑफ ड्रग्स एक्सप्लॉयटेशन नेपोटिज्म एंड जिहाद, इट्स लिड इज ऑफ, इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग दिस गटर विल फाइल अ केस ऑन मी ऑल्सो, टिल द टाइम आई एम अलाइव आई विल कंटिन्यू टू एक्सपोज यू ऑल। तो उन्होंने वो सब नाम ले लिए हैं जिनका जिक्र करने पर बॉलीवुड ने केस किया है। उन्होंने कहा बॉलीवुड गटर ऑफ ड्रग्स है, एक्सप्लॉयटेशन है, नेपोटिज्म है, जिहाद है, अब लो आप लोग मुझ पर भी केस कर लो। अब आगे वो कहती है मैं कई सालों से बॉलीवुड में शोषण और बुलिंग की शिकायत कर रही हूँ, आज उसी कारण एक कलाकार की मृत्यु हो गई। अगर सुशांत की मृत्यु के बहाने बॉलीवुड का गटर साफ हो रहा है तो इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इसका भी सारा हिसाब है मेरे पास। और इस पर भी उन्होंने हैशटैग वही डाला है, बॉलीवुड स्ट्राइक्स बैक, यही हैशटैग डाला है। कंगना रनौत एक बार फिर घायल शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं। आपका कंगना रनौत के इन बयानों पर क्या कहना है ज़रूर बताएं। बने रहें मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।